मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आसिम भाई आपसे बात करेंगे स्टार्ट से, मैं खामोश रहता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? चलिए जी आसिम भाई जी। आपका थोड़ा सा जी भाई, आपका थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह, एजुकेशन क्या पढ़ रहे हैं? मैं अभी 12th में हूँ। तो कौन सा स्ट्रीम है आप जी? 12th में क्या सब्जेक्ट क्या है आपका? स्ट्रीम कुछ नहीं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप 12th में? साइंस एंड मेडिकल। मेडिकल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप जी? क्यों? तो भाई आप जिस स्ट्रीम के होंगे उस एतबार से मैं आपको जवाब दूंगा ना, तो आपको जल्दी। देखिए मुझे साइंस से, सुनिए सुनिए, मुझे साइंस से बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मोरालिटी पे बात करनी है। साइंस से मेरा काफी कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, मुझे सिर्फ मोरालिटी पे बात करनी है। और बढ़िया हो गई, तो सिर्फ मोरालिटी पे बात करें, ठीक जी। तो आपको मतलब मेन कंफ्यूजन क्या है? कुछ आपका मेन कंफ्यूजन क्या है? मेन ऑब्जेक्शन बोलते हैं कि मुझे इसमें मोरालिटी नजर नहीं आती है। अच्छा, आप मोरालिटी क्या होता है, आपको इसका कुछ समझ है, अंडरस्टैंडिंग है? मोरालिटी आप जो मोरालिटी समझते हैं, मैं भी वही मोरालिटी समझता हूँ। अब आप क्या मोरालिटी समझते हैं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब देंगे तो समझ आ जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, मोरालिटी मतलब मैं हम जो समझते हैं और मैं बता रहा हूँ आपको, मोरालिटी होता है यानी कि अच्छा या बुरा समझना किसी चीज को, ठीक है? हाँ, तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, मोरालिटी। तो आप यानी किसी चीज को अच्छा या बुरा जो समझते हैं उसको मोरालिटी कहते हैं? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो आप ये बताएं कि आप आपका सोर्स क्या है, मोरालिटी का सोर्स क्या है, आप किस बेसिस पे किसी चीज को अच्छा या बुरा समझते हैं? दुनिया ने जो बेसिक रूल, देखिए मोरालिटी की बेसिक समझ हर किसी को होती है, किसी चीज को देख कर हम पढ़ कर अच्छा या बुरा मान सकते हैं, ठीक है? किसी को देखकर अच्छा या बुरा हम अपनी सोच के समझ से हिसाब से तो लगा सकते हैं ना। मैं उसी को मोरालिटी समझता हूँ, जितना डीप। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ फिर समझो, ऐसा नहीं आप इतना सिंपलीफाई कर रहे हैं ना मोरालिटी को, इतना सिंपल नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूँ आपसे कि आप बोलें कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बिना शादी के जो है सेक्स करना आपके नज़दीक अच्छा है या बुरा है? देखिए इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। अगर वो साथ है, ओवरऑल ओवरऑल आप इसको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? ओवरऑल मैं बुरा समझता हूँ। चलो आप इसको बुरा समझते हैं, लेकिन यूरोप की जो है बड़ी सोसाइटी, यूरोप के जो ज्यादातर लोग हैं इसको अच्छा समझते हैं। मैं उनका क्या करूँ फिर? वही मैं पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं बेसिक समझ सोच समझना ना, मुझे सोच समझना है कि आप बुनियाद पे इसको सही या गलत समझ रहे हैं, वो है क्या, वो बेस क्या है, वो सोर्स क्या है? आप मेरी बात तो सुनिए सर, तो कहा था मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लड़का लड़की शादी करते हैं उसमें एक्सेप्शन होते हैं। अगर वो घर पर सेटल हो गए, इसमें मैटर होता है ना कि उनका मतलब कि उनका बिलीव क्या है। अगर वो एक घर में सेटल हो गए, मतलब कि शादीशुदा जिंदगी जीना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स की सलामती है, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को इतनी समझ तो नहीं ना होती, उसके पेरेंट्स से सलाम लेकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को समझ नहीं होती, किसने कह दिया जाना, मतलब इतनी समझ नहीं होती। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है वो 30 साल 40 साल के होते हैं, उनको समझ नहीं होती? उनको होती है, वैसे तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आजकल तो हाँ, आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो है बहुत बड़ी आबादी है जो बिना शादी के 30 साल 35 साल की बड़ी आबादी है जो रहती है, बिना शादी के रहती है, बिना शादी के बच्चे भी पैदा करते हैं। चलिए छोड़िए ना वो, आप बात सुनिए। नहीं नहीं छोड़िए, उसको कैसे छोड़ेंगे ना, उसी से तो आपको समझ आएगा कि आपका जो आपका मोरालिटी, मोरालिटी आप लेते कहाँ कैसे करते हैं ये चीज अच्छी है गलत है? अरे अरे वही तो बोल रहा हूँ, सुनिए तो सही ना, मोरालिटी पे ही बोल रहा हूँ। देखिए अगर वो बोल रहे हैं कि अगर उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो मैच्योर हैं, या फिर 18 या प्लस की एज हो गई है, गवर्नमेंट ने जो शादी की रखी है लड़की की 23 और लड़के की 24 ऐसा कुछ, अगर वो उससे ऊपर है तो वो खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं, नहीं तो माँ बाप लेंगे, क्योंकि इतनी समझ नहीं होती। मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। अभी तो बात अभी बड़े हैं आप जिसको मैच्योर समझ रहे हैं ना, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ कि वो लोग, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, 30 साल का लड़का है, 25 साल की लड़की है, ठीक है, उन्होंने शादी नहीं की, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और साथ में रहते हैं, सेक्स करते हैं, आपके नजदीक सही है गलत है? उसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं सर।
भाई एक्सेप्शंस पे बात नहीं हो रही, बात जनरल उसकी भी बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस होती है ना। आप इसको ओवरऑल गलत समझते हैं या सही समझते हैं? ओवरऑल मैं नहीं बता सकता, आप पहले पूरा सुनिए। ओवरऑल में नहीं, उसमें सर्कमस्टेंसेस होती है, अगर वो फैमिली की तरह रह रहे तो फिर मैं और किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, एथिस्ट और फैमिली की तरह रह रहे और उनमें कमिटमेंट हुआ के साथ में रह रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं, और जो कोर्ट मैरिज होती है वो उन्होंने कर लिया तो मुझे लगता है ये कोर्ट मैरिज का मतलब मैरिज हो गया, वो कोर्ट मैरिज का मतलब मैरिज हो गया, वो तो शादीशुदा हो गया ना फिर। हाँ, कोर्ट मैरिज का पहले मुझे ख्याल नहीं था, कोर्ट मैरिज कर रहे तो सही है वरना मुझे लगता है गलत है, क्योंकि कल को अगर वो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो शादी नहीं करता है तो वो गलत है। जी बिल्कुल गलत है। अच्छा, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, यूरोप की जो एक बड़ी सोसाइटी है दुनिया की मान लीजिए आपके 2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो इसको गलत नहीं समझते हैं, आप गलत समझते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा हो गया? अगर मोरालिटी इतनी सिंपल है कि आप कह रहे हैं कि बेसिक समझ सबको होती है मोरालिटी की, तो अगर बेसिक समझ मोरालिटी की सबको होती है, ये सुन ले, सुनिए, आपने जो बात बोली ना इसी का जवाब देता हूँ, आप सुन लीजिए। देखिए सर, एक टीनेजर को, देखिए मैं एक टीनेजर हूँ, मुझे भी इस बात की मुझे ज्यादा अकल तो नहीं है, आप जितना आप हाल ही में होंगे मुझे ज्यादा अकल नहीं है, पर इतनी अकल मुझे भी है कि साथ में वो लोग ऐसे नहीं रह सकते बिना मैरिज, क्योंकि कल को अगर प्रेगनेंट हो वो बात पूरी करने दी सर, पहले आप मेरी बात मेरी बात अभी हुई नहीं पूरी, आप कैसे पूरी करेंगे? पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। अगर साथ में वो रहते हैं, वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई और कल को वो अलग होने लगे, छोड़ के जाने लगा, तो कौन जिम्मेदार है? इतनी मोरालिटी ये होती है मोरालिटी? आप कह रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया तो ये होती मोरालिटी, वही तो मैं कह रहा हूँ, 2 बिलियन लोग इसको मोरालिटी नहीं समझते, उस 2 बिलियन लोगों को क्या करना है आपको, बोलिए। मैं उन 2 बिलियन लोगों को मोरल नहीं समझता। अच्छा, आप उन 2 बिलियन लोगों को मोरल नहीं समझते, क्यों नहीं समझते आप उन 2? क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि आपने जो डिसाइड कर लिया है कि ये सही है वो गलत है वो पूरी दुनिया उसको मानेगी, आप ये ऐसा समझते हैं? अपना अपना ओपिनियन होता है सर। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, ठीक, आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए गलत सही कुछ और हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, ठीक है जी, ठीक। तो आपके लिए जो है कोई चीज सही हो सकती है, दूसरे के लिए वो गलत हो सकती है, ठीक है, ओवरऑल। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए कोई चीज सही हो सकती है, दूसरे के लिए वो चीज गलत हो सकती है ना जी, ठीक है। तो आप बताएं कि वो बंदा तो अपने हिसाब से सही है, आपके हिसाब से गलत है जी सर, है ना? तो आपको ये हक है कि वो जो अपने हिसाब से सही है आप उसको बोलें कि तुम गलत हो, आपको ये हक है, ये राइट है आपको? नहीं है ना। तो जब आपको ये राइट नहीं है तो आप इस्लाम की मोरालिटी पे क्वेश्चन कैसे उठा रहे हैं? इस्लाम, देखिए सुनिए, आपने खुद कह दिया ना कि मैं गलत हो सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से सही हूँ, वो अपने हिसाब से सही है, तो आपने, आपको ये राइट खत्म हो गया, आपने अभी खुद कहा मुझे ये राइट नहीं है, देखिए सुनिए ना, आप पहले बात सुनिए, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। देखिए वो दो लोग जो हैं वो किसी की लाइफ पे इफेक्ट नहीं डालते, ठीक है। इस्लाम को इस वक्त, इस्लाम को वो 2 बिलियन लोगों की पर्सनल, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, इस्लाम एक आइडियोलॉजी है जिसे 2 बिलियन लोग ऑलमोस्ट फॉलो करते हैं, तो उसका इस्लाम का असर तो सीधा हमारी सोसाइटी पे पड़ रहा है ना, तो उसकी तो बात होनी चाहिए, वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी की पर्सनल लाइफ में हम इंटर नहीं कर सकते। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं 2 लोगों की लाइफ को? कैसे नहीं कर सकते, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, वो 2 बिलियन लोगों की मोरालिटी हो या 2 लोगों की मोरालिटी हो, है तो मोरालिटी ना, सुनिए सर, 2 लोगों की पर्सनल मोरालिटी हो या 2 बिलियन लोगों की पर्सनल मोरालिटी है तो मोरालिटी ना। आप बात सुनेंगे पूरी सर, दो लोग हैं ना उनकी पर्सनल लाइफ है, 2 बिलियन लोग जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, ये तो पूरी सोसाइटी बन, 2 लोगों तो ये जो दो, सुनिए सुनिए, 2 बिलियन लोगों की पूरी आपकी सोशल लाइफ नहीं है, आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं है? सोशल लाइफ है ना, तो आप सोशल लाइफ में जाके अच्छा अच्छा या बुरा को डिसाइड नहीं करते, आप सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ में अच्छा या बुरा डिसाइड नहीं, अच्छा बुरा, लेकिन मेरा ओपिनियन देने का हक है मुझे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू नो, आप ठीक है भाई, अपने फ्रीडम ऑफ, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करें, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि वो 2 बिलियन लोग हैं तो उनका एक सोशल लाइफ है, ठीक है, आप 2 लोग हैं तो क्या आपका सोशल लाइफ नहीं है? सोशल लाइफ एक सर, पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ में फर्क होता है ना, 2 लोग घर में, आप ये बताएं, आप मोरालिटी रखते हैं, आपकी सोशल लाइफ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप मेरे सवाल का जवाब सुनिए सर,
आप आपके अपने सवाल का जवाब सुनिए, दो लोग पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ में फर्क होती है। इकट्ठे रहकर वो सेक्स कर रहे हैं अपनी लाइफ जी रहे, वो अलग चीज है, और जिस आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते हैं और स्प्रेड करते हैं सोसाइटी में रहते हैं, वो अलग चीज है सर। आप नाम को सोशल यानी आप सोसाइटी के बारे में आपका कोई मोरालिटी नहीं है, आप कुछ सोचते नहीं सोसाइटी के बारे में, आप सोसाइटी के बारे में कुछ अच्छा या बुरा सोचते नहीं है। आप किस एंगल में कह रहे हैं, मतलब तो डिफरेंट मैं जनाब ये कह रहा हूँ आपसे कि आप ये कह रहे हैं कि वो जो 2 बिलियन लोग हैं वो तो सोसाइटी पे इफेक्ट कर रहे हैं, उनकी एक सोशल लाइफ है, हम 2 लोग हैं हमारी पर्सनल लाइफ है, क्या आपकी सोशल लाइफ नहीं है भाई? मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो 2 लोग हैं जो आप जिसमें एक हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि मेरी मोरालिटी तो पर्सनल है, क्या ये पर्सनल मोरालिटी सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है, सोसाइटी से अलग है? मैं आपका सवाल नहीं समझा सर, फिर मैं दोहराता हूँ। जैसे आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का एक मोरालिटी होता है जो कि पर्सनल और सोशल दोनों है, ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि वो सोशल सोसाइटी पे इफेक्ट डालता है, ठीक है जी। अब बताएं आप कि आप या इस्लाम के अलावा जो दूसरे लोग हैं जिनकी अपनी पर्सनल मोरालिटी होती है, क्या वो सोसाइटी के लिए कोई मोरालिटी ओपिनियन नहीं रखते हैं? पर्सनल लाइफ सर, पर्सनल लाइफ रखती है, पर जब हम उसको ओपन करें सबके सामने, पर आप ये बताएं कि आपकी मोरालिटी में, आप जिसको मोरालिटी कह रहे हैं उस मोरालिटी में सोसाइटी इंक्लूड है या नहीं? मेरी मोरालिटी सर वो तो है, इंक्लूड है, सोसाइटी इंक्लूड है ना, तो फिर आप अपने आप को एक्सक्लूड ना करें, आप सिर्फ इस्लाम के बारे में ना बोलें कि इस्लाम जो है वो सोसाइटी पे इफेक्ट डालता है, आपकी मोरालिटी में भी सोसाइटी इंक्लूडेड है ना, सिर्फ इस्लाम की मोरालिटी में सोसाइटी इंक्लूडेड नहीं है। नहीं, आप कहना क्या चाहते कि मैं सिर्फ इस्लाम पे ना बोलूं बाकी सब पे भी बोलूं? नहीं नहीं, मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो बात इस्लाम के बारे में कह रहे हैं कि इस्लाम सोसाइटी पे इफेक्ट डालता है, वैसे आप भी डालते हैं, ये सिर्फ इस्लाम नहीं डालता है। आप ये समझ रहे हैं शायद कि मैं तो नहीं डालता हूँ, मेरी मोरालिटी पर्सनल घर के अंदर रहती है, घर के बाहर नहीं रहती है। मैं डालता हूँ पर वो अलग चीज है सर, कैसे अलग? अब बताएं आपके, आप भी जब सोसाइटी पे इफेक्ट डालते हैं और आप ये कह रहे हैं कि मेरी मोरालिटी जो है वो दूसरे के लिए गलत हो सकती है और दूसरे की मोरालिटी मेरे लिए गलत हो सकती है और मुझे क्वेश्चन का राइट नहीं है दूसरे की मोरालिटी। आप बात पूरी सुनिए ना, आप अपने सवाल पूछा एक एक करके बोलते हैं, अपने सवाल पूछा जवाब सुनिए। मेरी जो पर्सनल लाइफ है ना वो सोसाइटी पे इफेक्ट कम डालती है क्योंकि पर्सनल लाइफ घर के अंदर होती है। आप ये कह रहे हैं, फिर पूछता हूँ, आपकी कोई सोसाइटी सोशल लाइफ नहीं है? सोशल लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है, इतनी समझ होनी चाहिए आपको सर। वो जो सोशल लाइफ है आपकी जो पर्सनल लाइफ से अलग है उसमें मोरालिटी नहीं है? उसमें मोरालिटी है, पर वो सोशल लाइफ वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ जनाब आपसे कि आपकी जो सोशल लाइफ है उसमें भी मोरालिटी है, मोरालिटी सिर्फ आपके पर्सनल लाइफ में नहीं है। एक तरफ आप इसको मान रहे हैं कि हाँ मेरे सोशल लाइफ में भी मोरालिटी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं नहीं, आप मेरे सोशल लाइफ की मोरालिटी पे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? आप समझ नहीं तो आप बोल रहे हैं आपकी पर्सनल मोरालिटी सोशल लाइफ पे इफेक्ट डालती है या नहीं, मैं बोल रहा हूँ पर्सनल रियलिटी पर्सनल मोरालिटी नहीं डालती। आपने नहीं समझा, आपने इस बात को नहीं समझा, फिर से मैं समझाता हूँ आपको। देखिए पर्सनल मोरालिटी का मतलब होता है कि वो मोरालिटी जो आपके अपने ओपिनियन पे बेस्ड हो, ठीक है, वो आपके घर के अंदर के बारे में भी हो सकता है और घर के बाहर के बारे में भी हो सकता है, ठीक है, इसको पर्सनल मोरालिटी। नहीं नहीं नहीं, पर्सनल वो नहीं होता सर, मोरालिटी पर्सनल आप मोरालिटी बोली ना या फिर पर्सनल लाइफ। अब मैं दूसरी बात पूछता हूँ, चल आपको नहीं, आपको कंफ्यूजन ज्यादा है, मैं दूसरा मिसाल के तौर पे समझे, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा सर, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सर आपकी मोरालिटी चेक करने के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए पहले हम ये चेक करेंगे ना कि आपके पास वो राइट है या नहीं चेक करने का। आप तो कह रहे हैं कि मोरालिटी जो है वो यानी कि मैं जो है गलत हो सकता हूँ किसी के लिए और मेरे यानी कि जो सामने वाला बंदा है वो अपने हिसाब से सही है, आप नहीं कहते। आप मोरालिटी भी क्यों, आप कंफ्यूजन ना करिए पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ, इसमें कंफ्यूजन ना करिए, आप सीधा बात सुनेंगे सर, मेरे पास वक्त कम है, आप मेरी बात सुनेंगे, अगर आपको जानना है कि मुझे इस्लाम पे बोलने का हक नहीं है तो सीधा बोलिए ना, आपको इस्लाम पे बोलने का। आपको सिर्फ इस्लाम पे नहीं, जब आप ये कहेंगे कि मोरालिटी जो है मेरी अपनी है, मतलब मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है और दूसरी की दूसरा आजाद है, यानी कि जो सामने से मैं हूँ, मैं आजाद हूँ कि मैं जिस मोरालिटी को फॉलो करना चाहूँ करूँ अपने हिसाब से, और मैं अपने हिसाब से सही हो सकता हूँ और आप अपने हिसाब से सही हो सकते हैं, आप मुझे जो यही है ना आपकी मोरालिटी, आप यही कह रहे हैं ना कि ये सब्जेक्टिव है, आप यही तो कह रहे थे शुरू से।
यस सर। हाँ, तो जब आपने ये कह दिया कि मैं अपने हिसाब से सही हूँ, तो आपके पास राइट कहाँ बचा कि मेरे ऊपर आप क्वेश्चन करिए? वही मैं आपको बस समझा रहा हूँ। हाँ हाँ, ये तो मैं पहले पूछा था सर, राइट होता है ना, लेकिन सर आप सवाल पूछ सकते हैं, आप किसी भी सवाल तो पूछ सकते हैं ना, सवाल आप सवाल पूछने के लिए वो ग्राउंड भी होना चाहिए ना आपका सवाल का, ग्राउंड पूछने का ग्राउंड होना चाहिए। मोरालिटी पर्सनल होती है, अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन ओपिनियन एक्सचेंज करना भी तो बनता है ना। ओपिनियन एक्सचेंज करना एक अलग चीज है और दूसरे को गलत कहना एक अलग चीज है। आप गलत कह रहे हैं, आप ओपिनियन एक्सचेंज नहीं करना। हमारा ओपिनियन सुनिए सुनिए, गलत कहना भी हमारा ओपिनियन है। अब अगर मैं नहीं नहीं, आपने आपने किसी को गलत कहने का राइट खत्म कर दिया ना, जैसे ही आपने कहा कि मोरालिटी जो है मेरी अपनी है, दूसरे की अपनी है, आपका आपका खत्म हो गया राइट। नहीं 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 सर, आपका राइट खत्म हो गया जनाब, आप समझ नहीं रहे। नहीं नहीं समझ, खत्म, आप मेरी बात सुनेंगे सर, ओपिनियन सबका अपना अपना होता है। अगर मैं उसे अपना ओपिनियन छोड़ता हूँ, उसे बोलता हूँ तो छोड़ दे, ये गलत है, और उसकी अपनी मर्जी, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ ना तू क्यों कर रहा है, मेरे हिसाब से तो ये गलत है। मैं उसे फॉर एग्जाम्पल तो आपके हिसाब से वो क्यों गलत है? सुनिए सुनिए, आपके पास कोई गलत कर रहा है, आप सुनिए, मैंने हसन को बोला तो गलत कर रहा है, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो गलत कर रहा है, वो बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं तू गलत कर रहा है तू छोड़ दे जबरदस्ती करूं, वो मेरा राइट नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सही बात नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि आपके हिसाब से वो चीज क्यों गलत है? हाँ तो आप इस पे आइए ना, आप वो आप बताएं, आप बताएं कि कोई भी चीज, मिसाल के तौर पे समझे कि आप ये कह रहे हैं कि किसी भी आदमी का कोर्ट मैरिज के बिना साथ में रहना, सेक्स करना गलत है, क्यों गलत है आपके हिसाब से? मतलब नहीं सुनिए सुनिए, आप ये तो मानते हैं ना कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं? बिल्कुल क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन हम असल में देखें, आप अभी भाई हमारे सुनिए, एक बार आप जो है अभी अभी एक ऐसे एज में है ना, एक ऐसे एज में है कि आपके थॉट क्लियर नहीं है, तो आपको बहुत कंफ्यूजन है, तो इसलिए मैं बुनियादी बेसिक्स क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, ताकि आपके थॉट थोड़े मैच्योर हो जाए। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ना, आपने अभी कहा, बोले बोले नहीं आप बोल लीजिए, जैसे आपने कहा, जैसे आपने कहा कोर्ट मैरिज के बिना किसी का सेक्सुअल रिलेशन में रहना गलत है, तो मैं पूछूंगा ना आपको कैसे पता चला गलत है, आप क्यों कह रहे हैं इस बात को गलत है, किसी चीज पे भी जो आप कह रहे हैं कि ये गलत है ये सही है, कैसे कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि ये चीज गलत है ये चीज सही है? नहीं सुनिए सर, आप शांत होकर मैं 30 सेकंड में मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो सुनिए। जी जी बिल्कुल सर, आपने पहला सवाल था कि मुझे बोलने का हक किसने दिया, मतलब कि मैं उस पर क्यों क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ, मैंने उसका जवाब दे दिया कि मैं क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर सकता हूँ और वो भी उल्टा मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। अब आप मुझसे पूछें क्वेश्चन किस बेस से कर सकते हैं, तेरी मोरालिटी क्या है, वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कैसे गलत हुआ और कैसे सही हुआ, वो उसका मैं आपको जवाब देता हूँ आप सर, ठीक है? जी जी दें दें, आप बताएं कि आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है। देखिए तो मैंने पहले बोल दिया ना, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे ये गलत लगता है। अच्छा, तो यानी आपकी जो समझ है वो असल में सोर्स है आपके गलत या सही होने का? यस सर। है ना, आपकी जो सोच है यानी आपकी जो अकल है? यस सर। ठीक है, तो अब मैं आपसे दूसरा, आप हिटलर को जानते हैं? हिटलर? जी सर। हिटलर अपने अकल के हिसाब से सही था? नहीं था। नहीं, वो अपने अकल के हिसाब से सही था ना, वो अपने समझ के हिसाब से जो कर रहा था वो अच्छा काम कर रहा था। ओके तो फिर जब वो अपने अकल अपनी समझ के हिसाब से जब वो जो कुछ कर रहा था अच्छा काम कर रहा था, तो दुनिया को क्या हक है कि उसको बुरा भला कहे? एक सेकंड सर, अपनी समझ के हिसाब से अगर वो किसी को, नहीं सर आपकी आपका ओपिनियन लोगों पे क्या इफेक्ट, मैंने कुछ देर पहले बोला, सुनिए सर, मैंने कुछ देर पहले बोला कि मैं उसके ओपिनियन, मैं अपना ओपिनियन उसे बोल सकता हूँ, वो मेरे ओपिनियन को क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन मैंने बोला था कोई देर पहले मैं उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता। हिटलर जबरदस्ती भी करता था और हिटलर उन्हें मारता भी था, वो नहीं कर सकते, मैंने कुछ देर पहले बोला ना ये मोरालिटी होती है, आपकी मोरालिटी वो उसके ओपिनियन देने चाहिए, आपकी मोरालिटी की जो डेफिनेशन है वो आपके अपने समझ के हिसाब से है ना मोरालिटी। हाँ पर आपको हक तो हिटलर जरूरी नहीं है ना, हिटलर जो है वो आपके मोरालिटी के डिफिनेशन से एग्री करे, उसके लिए हो सकता है कि नहीं भाई, अब फॉर एग्जांपल आप ये समझेंगे हिटलर के लिए ये हो सकता है कि नहीं, अगर कोई देशद्रोह है उसके नजदीक अपना एक देशद्रोह का डिफिनेशन होगा, वो एंटी नेशनल होगा, जो एंटी नेशनल है उसको टॉर्चर करना अच्छी बात है, उसके मोरालिटी के डिफिनेशन में ये चीज सही होगी, इसलिए वो कर रहा था। मेरे ओपिनियन के हिसाब से हिटलर गलत था, उसे कुछ मुझे लगता है या तो फिर बचपन से ऐसा ही रखा गया था कि उसके दिमाग में वो छोड़ने कैसे रखा गया था, आपके ओपिनियन के हिसाब से हिटलर गलत था, ठीक है?
यस सर, हिटलर अपने ओपिनियन के हिसाब से सही था, यस सर, था ना। तो अब ये बताएं आप कि आप ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे करेंगे कि भाई तुम मेरे हिसाब से तुम गलत हो, आप उसको ये नहीं कहेंगे कि तुम सबके हिसाब से गलत हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि मेरे हिसाब से हिटलर गलत है। नहीं सर, उस वक्त ना कुछ ठीक है, नहीं नहीं सुनिए सुनिए, ये नहीं होता सर आपकी, लेकिन आपका ओपिनियन, उसका ओपिनियन लोगों को इफेक्ट करना चाहिए ना, वो बोल सकता है ज्यादा, लेकिन वो फोर्स नहीं कर सकता, वो तो सबके हिसाब से गलत है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह रहे हैं कि फोर्स नहीं करना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी बच्चे को बेवजह मार रहा हूँ, गला काट रहा हूँ, वो तो सबके हिसाब से गलत होना चाहिए ना, जिसके हिसाब से सही है बोला हो सकता है किसी के समझ, अब आपने समझ को ही जो है सोर्स बना रखा है, तो किसी के समझ के हिसाब से वही सही काम हो। नहीं, किसके समझ से सब होता है, तो आपके जस्टिफाई कर देना, जस्टिफाई कर भाई। अब आपने कह दिया ना कि समझ, यानी हर इंसान की जो समझ है, जैसे आपकी समझ जो है वो आपकी मोरालिटी का सोर्स है, तो इसी तरह समझ लें कि एक्स वाई जेड एक बंदा हिटलर है या कोई भी है, इसी तरह से समझ लें स्टालिन है, इसी तरह से किम जिन यूंग को समझ लें आप, कि ये लोग भी अपने हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से अपनी मोरालिटी दे रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो अगर किसी को फोर्स नहीं, अब आप ये कह रहे हैं कि हिटलर जो, हिटलर की जो समझ है, अब ये देखें आप कह रहे हैं कि मुझे तो ये च्वाइस है, मुझे तो ये राइट है कि मैं अपने समझ के हिसाब से मोरालिटी बनाऊं, लेकिन हिटलर को, स्टालिन को ये इख्तियार नहीं है, ये राइट नहीं है कि वो अपने समझ के हिसाब से मोरालिटी बनाए। भाई जब आपको अपने समझ के हिसाब से मोरालिटी बनाने का राइट है तो हिटलर को भी है, आप हिटलर को रोक रोक क्यों रहे हैं कि भाई तुम्हारी मोरालिटी तुम नहीं बना सकते, तुम अपने चॉइस से। हाँ, तो वो अपनी आइडियोलॉजी का ओपिनियन दे सकता है ना, लेकिन किसको फोर्स तो नहीं कर सकता, ये राइट नहीं किसी भी उसमें। नहीं, उसके उसके मोरालिटी में फोर्स करना भी सही बात है, आपकी मोरालिटी में गलत है ना, वो अपने समझ से मोरालिटी बनाया आपने, आपने अपने समझ से बनाया। नहीं सर, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी कहता है, पड़ता है कि उसके हिसाब से कैसे सही हो गया किसी को मरना, ये सवाल भी तो आता है ना, इतना इतना सर, इतनी मोरालिटी सबको होती है भाई, उसकी अपनी मोरालिटी है ना, उसकी अपनी समझ है ना। मोरालिटी है सर, क्यों मोरालिटी है, क्या कोई मोरालिटी है कि किसी को भाई ऐसे भाई उसके अपनी समझ की मोरालिटी है, जैसे आप समझ की मोरालिटी हो सकती है, उसके समझ की तो हो सकती है ना। आप उसको फोर्स क्यों कर रहे हैं, फोर्स क्यों कर रहे हैं कि वो आपकी मोरालिटी से एग्री करे। मोरालिटी से अग्री करने तो सर बेसिक मोरालिटी तो सबकी होती ना, इतनी समझ दीजिए, आप मेरी बात पूरी करने दीजिए, मोरालिटी तो 30 साल के बच्चे में भी होती है, 3 साल के बच्चे में भी होती है कि किसी को बेवजह जाके मारे नहीं बेगुना को, भाई कौन सी मोरालिटी है। बेगुना को ना आपने एक लफ्ज यूज किया, बेगुना को, हिटलर जिसको मार रहा था उसको वो गुनहगार समझता था, बेगुना समझता कहाँ था, क्यों गुनहगार समझता था, यहीं पे तो सवाल आता ना, क्यों क्या भाई, अब उसकी अपनी समझ थी ना, उसकी समझ थी कि जो कोई भी उस भाई का उसकी अपनी समझ थी ना, उसकी समझ है, अब उसको फोर्स करेंगे आप, क्यों है, क्यों है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे मैं आप कह रहे हैं कि मुझे ये राइट नहीं है कि मैं आपकी मोरालिटी को आपको फोर्स करूँ कि आप मेरी मोरालिटी माने, आपको मैं आपको अगर कोई फोर्स करे कि इस्लाम की मोरालिटी मानो तो आप उसको गलत कहेंगे ना। मैं उसे अपनी मोरालिटी मनवानी जा रहा हूं, आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अगर अगर कोई आपको फोर्स करे, आपको कोई फोर्स करे कि आप इस्लाम की मोरालिटी मानो, आप उसको गलत कहते हो, फोर्स करे, हाँ मैं उसे गलत कहता हूँ। तो आप अगर हिटलर को फोर्स करें, आप हिटलर को फोर्स करें कि भाई तुम मेरी मोरालिटी मानो, तो ये भी गलत है ना, ये गलत नहीं है सर। अच्छा, आपका फोर्स करना गलत नहीं है और मुसलमान का फोर्स करना गलत है, क्योंकि उसकी आइडिया, वो भी तो फोर्स कर रहे हैं ना लोगों को बेवजह मार, वही तो मैं देखिए आप जलेबी बना रहे सर, बेसिक जलेबी नहीं बना रहा हूँ, देखिए डबल स्टैंडर्ड इशू कर रहे हैं भाई। देखिए आप कह रहे हैं कि आपको राइट है कि आप फोर्स करें हिटलर के ऊपर, लेकिन एक मुसलमान को फोर्स नहीं है कि वो आप राइट नहीं है कि वो फोर्स करे, तो डबल स्टैंडर्ड हुआ ना ये। अगर फोर्स करना है तो आप देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे फोर्स करने का राइट है तो फिर पूरी दुनिया को दीजिए राइट। मैं जाके किसी के गले तो नहीं काट रहा, मुझे आके फोर्स कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना वो आप कह रहे हैं हिटलर को, आप हिटलर को कह रहे हैं कि भाई तुम मेरी मोरालिटी से एग्री करो, आप कह रहे हैं ना कि उस हिसाब से इस्लाम वाले भी मुझे अभी फोर्स कर सकते हैं, तो मैं कितने मैं सिंपली आपसे पूछ रहा हूँ, आपने फोर्स किया ना, आपने कहा कि मुझे राइट है कि मैं हिटलर को फोर्स करूं कि वो मेरी मोरालिटी से एग्री करे, मैं जिस बात को मोरालिटी कह रहा हूं उसको वो मोरालिटी माने, जिसको मैं मोरालिटी नहीं कह रहा हूं उसको नहीं माने। आपने बात सुनी, सुनिए सुनिए, जवाब सुनिए, इसमें मैटर करता है कि ओवरऑल वर्ल्ड की एक बेसिक समझ के हिसाब से ओवरऑल के क्या मोरलिटी के क्या बेसिस हैं, किसी को आप किसी से भी जाके पूछिए ना, बेवजह किसी को जाके मारना ऐसे गलत है,
चलें, आपका आपका मतलब ये कहना है कि ओवरऑल यानी कि जो ज्यादातर लोग जो दुनिया में समझते हैं वही होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं ना, है ना? ऑलमोस्ट हाँ। तो भाई तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग माइनॉरिटी में रहेंगे उस पर आप फोर्स करेंगे। मान लीजिए 90% लोग, 90% लोग जो है वो एक चीज को मोरालिटी समझ रहे हैं, 10% लोग एक चीज को मोरालिटी नहीं समझ रहे हैं, तो आप 90% लोग 10% पे फोर्स करेंगे। कौन सी चीज को, कौन सी चीज को आप मोरालिटी समझ रहे हैं वो लोग? हाँ मान लीजिए, मान लीजिए कि जर्मनी के लोग जो है, जर्मनी के लोग जो है वो यहूदियों को मारने को वो मोरालिटी समझ रहे थे, अच्छा काम समझ रहे थे, ठीक है, बाकी दुनिया उसको गलत समझ रही थी। तो भाई मुझे मेजोरिटी तो वो उनकी है जो उनको गलत समझ रही है ना। तो अब ये जो मेजोरिटी वाले लोग हैं वो जो माइनॉरिटी में है उनको फोर्स करेंगे, तो आपके यहाँ आप फोर्स जायज हो गया। जी दोबारा बोलिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ जैसे जर्मनी के जो लोग थे हिटलर के जमाने में वो यहूदियों को मारना अच्छा काम समझते थे, ठीक है, सवाब का समझ लें, काम समझते थे एक तरीके से समझ लें, हालांकि वो ऐसा कोई रिलीजियस नहीं था, लेकिन वो उसको नेशनलिज्म के हित में समझते थे, ठीक है, कि मैं एक यहूदी को मार रहा हूँ तो मैं अपने नेशन के लिए कोई कारनामा अंजाम दे रहा हूँ, मैं कोई बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। दुनिया के ज्यादातर लोग उसको गलत समझते हैं, ठीक है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि जो ज्यादातर लोग जो एक थिंकिंग रखते हैं उनको ये राइट है कि वो लोग जो कम यानी कि जो यानी कि कम तादाद में माइनॉरिटी में उनके ऊपर अब वो फोर्स करे, ठीक है, यानी कि मेजोरिटी को ये अलाउ है कि वो माइनॉरिटी के ऊपर फोर्स करके अपनी आइडियोलॉजी थोप दे। मेजोरिटी को मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेजोरिटी के लोग मिलकर जो फैसला लेते हैं वो सही होता है समटाइम्स। अच्छा, समटाइम्स क्योंकि बेसिक जो दुनिया के रूल्स हैं समटाइम्स ना, ऑलवेज नहीं ना, समटाइम्स समटाइम्स तो मतलब समटाइम्स गलत भी होते हैं सर, मोरालिटी समटाइम्स तो एक इंडिविजुअल भी आप ना, आप सुनिए ना सर, देखिए सर बेसिक मोरालिटी की समझ हर किसी को होती है, वो बात मतलब ऐसे बचपन से उसी इन्वायरमेंट में रखा होगा या नहीं, इस पे काफी लंबी बात। ये बात किसने कह दिया कि बेसिक मोरालिटी की समझ सबको होती है, और बेसिक मोरालिटी जब आप बोल रहे हैं तो उसका क्या डेफिनेशन है, बेसिक मोरालिटी का क्या डेफिनेशन है? फॉर एग्जांपल मैं किसी को जाके मार दूं, किसी को बेवजह जाके मार दूं, बेवजह, तो वो आपके हिसाब से सही होगा या गलत? गलत होगा में हर किसी क्या, ठीक है, सबके हिसाब से गलत होगा बेवजह। हाँ बेवजह से जाके मारना सबके हिसाब से गलत होगा, लेकिन बात इसकी नहीं है ना बेवजह। अगर जो मार रहा है सामने वाला वो कहता है मैं बेवजह नहीं मार रहा हूँ, जो जर्मनी में जो लोग मार रहे थे यहूदियों को वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं बिला वजह मार रहा हूँ, वो कह रहे थे कि ये लोग एंटी नेशनल है। मिसाल के तौर पर समझे कि आज आज हिंदुस्तान में एक एक एग्जाम्पल समझे, आज हिंदुस्तान में लिंचिंग होती है मुसलमानों की, होती है ना? नहीं होती मुसलमानों की लिंचिंग, नहीं होती इंडिया में, बिल्कुल नहीं होती। अच्छा आपको अखलाक का नाम सुना है आपने, दादरी केस सुना है आपने? एक सेकंड, आपने लावण्या का नाम सुना है, कन्हैया कुमार का नाम सुना है? सर कुमार सुनिए, सात धर्म के लोग इंडिया में इकट्ठे रहते हैं, पास ही भी रहते हैं, इतने छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट तो हो सकते ना हर किसी के मोरालिटी के। अच्छा मान ले हिंदू की जो है लिंचिंग होती है, किसी की तो लिंचिंग होती है ना इंडिया में, थोड़ा थोड़ा सबकी होती है सर, होती है सबकी होती है ना, लिंचिंग होती है, ठीक है, चाहे मुसलमान की हो चाहे हिंदू की हो कोई भी हो, तो जो लिंचिंग करता है वो ये कहता है कि मैं बिला वजह लिंचिंग कर रहा हूँ, वो ये कहता है कि ये नहीं नहीं ये बेगुनाह आदमी इसलिए मैं इसकी लिंचिंग कर रहा हूँ, या वो कहता है कि मेरे पास इसकी वजह है, इसने जो है फलाना काम किया गलत काम किया इसलिए इसकी लिंचिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैटर करता है उसने जो कहा है वो सही है, उसकी रीजन वैलिड तो है, आपके हिसाब से गलत होगा उसके हिसाब से सही है, आपके हिसाब से नहीं सर, यही तो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ ना, इसकी समझ हर किसी को होती है। नहीं 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 होती ना हर किसी को, आप ये कह रहे हैं कि वजह की भी यानी कि वजह यानी कि जो कॉज होता है उसकी भी समझ सबको होती है, आप ये कह रहे हैं, आप इनिशियली ये कह रहे थे कि बेसिक मोरालिटी की समझ सबको होती है, ठीक है, बिला वजह कोई भी मारना गलत काम है हर कोई कहेगा आपको, लेकिन जो सामने वाला मार रहा है उसके पास एक वजह है, अब आप कहेंगे भाई उसके लिए वो वजह होगा मेरे लिए वजह नहीं है, लेकिन उसके लिए तो वो एक वजह है ना। सुन करके डिस्कशन करके साबित हो सकता है ना, डिस्कशन करके एक दूसरे को समझ के तो ये वैलिड रीजन निकल सकता है ना कि वो सही है या गलत। नहीं नहीं उसके पास एक वजह है, उसके पास एक मारने की एक वजह है वो मारेगा, हमारे पास ना मारने की भी एक वजह होगी ना, तो हम ठीक है वो आपके पास है आप मत मारे, वो कहेगा आप मत मारो, आपको मैं कहाँ कह रहा हूँ आपसे मारो, आपके पास वजह है मारने की आप मत मारिए,
दोनों के पास वजह है मारने की, मैं मारूंगा ये कहेगा वो। ना आप सुनिए ना, आप सुनिए ना, दोनों के पास, हाँ अब एक मिनट तक चुप रह के मेरी बात इस पे सुनिएगा ठीक है। आप हमारे पास एक वजह है ना मारने की, उसके पास एक वजह है मारने की, हम बैठ के डिस्कस करेंगे, हम उस पर डिस्कस करेंगे ना, तो बात जो जब ओपिनियन टकराती है ना सर, तो सही वैलिड चीज निकल जाती है। और जिसे नहीं सुनना होता, जिसके दिमाग में नहीं, जिसे मतलब कि कट्टरपंथी होता है, जिसे मारना ही मारना होता है, तो वो गलत होता है। और जो जिसके मन में है ना कि मैं सच्चा हूँ, वो बैठ कर दोनों डिस्कस करते हैं और फिर वैलिड रीजन निकालते हैं। भाई वो कहेगा कि मैं क्यों डिस्कशन करूं आपके साथ, क्या आप उसको फोर्स करेंगे डिस्कशन करने के लिए? वो नहीं नहीं करना चाहता आपके साथ डिस्कशन। उसे सजा देनी चाहिए ना, इसीलिए तो प्रशासन बना है। भाई शासन, आप लॉ पे जा रहे हैं, हम मोरालिटी पे थे, मोरालिटी एक अलग चैप्टर है, लॉ एक अलग चैप्टर है। मोरालिटी को इतने सारे लोगों ने मिलकर डिस्कस किया है, इतने सारे लोगों ने इसकी मोरालिटी मिलकर डिस्कस हो जाए, तब जाके वो लॉ बना है, तो लॉ में को ऐड कर सकते हैं मोरालिटी में। अब नहीं, नहीं, मोरालिटी बिल्कुल एक अलग चीज होती है और लॉ एक अलग चीज होती है, यानी कि जो मॉडर्न 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 लॉ है ना, मॉडर्न लॉ में मोरालिटी और लॉ एक अलग अलग चीज होती है। नहीं है सर, सर आपको पता नहीं ना, आप लॉ जाके पढ़े भाई मेरे, देखिए सर पता नहीं है। आप एक तरफ ये कहते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ, दूसरी तरफ आप दावे भी बड़े बड़े करते हैं। एक सेकंड सर, लॉ तो इतनी तो समझ सबको होती है ना कि मोरालिटी की, बहुत सारे मोरल लोगों की, जब बहुत सारे लोगों की जब मोरालिटी इकट्ठी हुई, ओपिनियन इकट्ठे हुए, तब जाके लॉ बना। नहीं, किसने कह दिया आपको? हाँ तो यार सर, आप अब मोरालिटी एक अलग चीज है, लॉ एक अलग, क्या बेवकूफी है सर? आपको पता नहीं ना, आपको ये बेवकूफी पड़ेगा, आप जाके आप जो है एलएलबी में एडमिशन ले लो। सुनिए सर, आप वकील बने फिर समझ आएगा आपको मोरालिटी और लॉ क्या होता है। अब आप चुप करके मेरी बात सुनिए, मेरे पास सारी रात नहीं है मोरालिटी भी डिस्कस करने के लिए। सीधा मोरालिटी की बेसिक समझ यही सबको होती है, बेसिक समझ, और जितनी ऊपर बढ़ती जाएगी मोरालिटी की वो चीज, तो उतनी समझ सबको और बेसिक होते जाएंगे लोग, ऐसा ही कुछ है। तो आप यहाँ पर इस चीज को ठप करें और इस्लाम पे आए सीधा, क्योंकि मेरे पास सारी रात नहीं है आपके पास। आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो ये मान गए ना भाई कि आप नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जो समझ होगी पूरी दुनिया उस समझ से एग्री करे। आप जिसको जो है मोरालिटी कह रहे हो, लेकिन इसके लिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते क्या? और फोर्स करना होगा तो पहले हम बैठेंगे, ओपिनियन टकराएंगे, तो क्यों बैठेंगे आपके साथ? नहीं, आप ये क्यों समझते हैं कि जो सामने वाला है, जो आपसे डिफरेंट ओपिनियन रखता है, आप तो एड्स के टाइम पे पहुंच के जहाँ पे लोगों को मोरालिटी की समझ नहीं होती थी, इतनी समझ तो सबको होती है। आप बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं कि जो मेरे से डिफरेंट ओपिनियन रखता है वो मेरे साथ बैठे? वो क्यों बैठे आपके साथ? उसको चॉइस है ना, उसको चॉइस है नहीं बैठने का, है कि नहीं? सर आप चीजों की जलेबी ना बनाएं, जिस टॉपिक पे हम जलेबी नहीं बना रहा हूँ। आप देखो कितने फ्लॉज है भाई, आप मेरे आपकी ईमानदारी से सुनेंगे? आप मेरी बात सुने पहले, जिस चीज पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके लिए मोरालिटी की समझ हम दोनों को होगी, देख के हम कोई भी पता लगा सकता है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, चलो आ जाए, इस्लाम पे जाते हैं, डिस्कस करते हैं, आ जाए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आ जाए इस्लाम पे, आ जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं, पूछें जो मोरालिटी के क्वेश्चन है पूछें आप। अच्छा सर, तो यही पे इसी पे हम पहले आ जाते थे ना, तो ये भी समझ आती है कि आप ये आपको ये बात मनवानी पहले जरूरी थी कि आपकी जो मोरालिटी की समझ है ना वो बड़ी कच्ची है अभी। अब हम आपको टाइम दे रहे हैं इस्लाम पे बात करने की, नहीं तो आपकी मोरालिटी की समझ अभी भी बहुत कच्ची है। आप जो है ठोकते हैं अपनी मोरालिटी दूसरे पे कि नहीं मेरी मोरालिटी मानो, वो डिस्कशन रात सारी हम करते रहेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इस्लाम पे आए सीधा। ठीक है, आ जाए कोई। अच्छा सर, आप कौन सी हदीस को ऑथेंटिक मानते हैं? कौन सी हदीस को ऑथेंटिक मानता हूँ मैं? आप भाई सीधा क्वेश्चन का है ना ये जो है वो बाद में जो मुस्तलाहुल हदीस पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे ना, आप क्वेश्चन पे आए जा रहे। क्वेश्चन पे तो हाँ, क्वेश्चन से रिलेटेड है ना कि क्वेश्चन पूछो जब मैं बाद में प्रूफ दूँ, आप ये ना कहे कि ये हदीस। भाई हमारे मुहद्दिसीन ने जिस हदीस को सही कहा है उसको सही मानते हैं। अच्छा, कौन सी वो कौन है, यही तो पूछा मैं भाई। हमारे बहुत सारे हजारों मुहद्दिसीन में 4 लाख के आसपास हमारे जो है हदीस रिवायत करने वाले लोग, टॉप 5 का नाम ले लीजिए। क्या टॉप 5 का नाम ले लीजिए? जैसे आप इमाम मालिक का नाम ले लें, आप जो है सॉरी का नाम ले लें, आप जो है अरे अच्छा सुनिए चार बुखारी मुस्लिम के अलावा बाहर नहीं निकलेंगे, और मैं लूंगा नहीं इनका नाम, क्योंकि इनसे भी पहले के स्कॉलर है हदीस के और बड़े स्कॉलर है इनसे हदीस के। आप लोग नॉलेज जो है वो बुखारी मुस्लिम से आगे गई नहीं है,
तो हदीस पे ना जाए, हदीस पे जाएंगे तो फिर पूरी रात क्या शाम हो जाएगी। हदीस से ही क्वेश्चन है, हदीस से ही क्वेश्चन है, आप जवाब दें। बुखारी मुस्लिम को आप ऑथेंटिक मानते हैं नहीं? क्या बुखारी मुस्लिम को ऑथेंटिक मानते हो? मानता हूँ। चलो ठीक है, तो फिर मैं उसी से सेक्स स्लेवरी का क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं आपको अभी सेंड कर दूँ प्रूफ, या फिर पहले बात करें? पहले मैं अपना ओपिनियन रखूँ फिर प्रूफ सेंड करूँ? आप सारे क्वेश्चन हमें हदीस वगैरह पता होंगे, आप अपना ओपिनियन रखें पहले। तो आप सबसे पहले सेक्स स्लेवरी को डिफाइन करें, फिर ओपिनियन रखें। देखिए सर, मैं जो पढ़ रहा था उसमें लिखा है, इसलिए मेरी मम्मी है सर। जी मम्मी, आप सेक्स स्लेवरी पे बात करना चाह रहे हैं ना? इमाम साहब, मेरी मम्मी है। एक सेकेंड, आप अभी रखें, बाद में बात करता हूँ मैं आपसे। एक सेकेंड सर। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल सुन रहे हैं आप? ये सुन रहा हूँ, बोले। देखिए अभी कोई प्रॉब्लम आ गई है मेरे पास, अभी मैं बात नहीं कर सकता, तो हम कल सुबह 10 बजे के पास बात करें। और जिस आपसे पहले जिस आदमी से मैं बात कर रहा था उसे भी मैंने ये कहा था कि 12 बजे तक हम डिस्कस करते हैं, 12:30 हो चुके हैं। कल सुबह कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप मोरालिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर करें। अगर आप ये मानते हैं कि आप ये राइट सबको देते हैं कि सब लोग अपने अपने हिसाब से मोरालिटी बना सकते हैं, कि अगर आप ये राइट देते हैं सबको कि सब लोग अपने अपने हिसाब से मोरालिटी बना सकते हैं, तो फिर आप हिटलर को गलत, यानी कि उस पर अपनी मोरालिटी मत थोपें। और अगर आप जैसे ही अपनी मोरालिटी हिटलर पे थोपेंगे, तो आपका जो ये बनाया हुआ एक प्रिंसिपल है ना कि हर कोई अपने अपने हिसाब से बना सकता है मोरालिटी, वो गलत साबित हो जाती है। तो या तो आप अपने प्रिंसिपल से टिके रहें कि हर कोई अपने हिसाब से मोरालिटी बना सकता है। सुनिए, ये पॉइंट आप ऑलरेडी हम दे रख चुके हैं, मैं बहुत जवाब भी दे चुका हूँ। कोई जवाब नहीं आया आपका, कोई जवाब नहीं आया। आपने जो है इधर 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 घूमते रहे, आपका कोई जवाब नहीं आया। डिस्कशन सुनिए, इतनी डिस्कशन इस पे हो चुकी है और हम नहीं करेंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया ना जनाब आपका, इसलिए कह रहा हूँ कि इस पे जाके सोचिए और इसका जवाब लेकर आइए। नेक्स्ट टाइम सुनिए, कल इस्लाम पे डिस्कशन होगी, और आपको नहीं करनी तो मत कीजिए। बिल्कुल शौक से करेंगे भाई, इस्लाम पे डिस्कशन बिल्कुल करेंगे। मैं तो आज ही अभी करने को तैयार था, कोई दिक्कत नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, जब करेंगे। लेकिन आप अपने मोरालिटी के प्रिंसिपल को थोड़ा चेक करिए, ठीक है? चलें भाई, ठीक है भाई, चले गए क्या? जा चुके हैं।